तो यार कैसे हो। तो फिर से हम आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू न्यू इवेंट टॉपिक की वीडियो में। तो भाई ये वीडियो कोई टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो नहीं है, ये वीडियो है क्या इंडिया में पबजी बैंड होगा या नहीं होगा। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ भाई, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो भाई मैं बता दूँ, इंडिया में पबजी बैंड होने का चांसेस 70-30 है। 70% चांसेस नहीं होगा और 30% चांसेस होगा। भाई सबसे पहले मैं बता दूँ क्यों नहीं होगा। तो भाई दो दिन पहले अब जब पबजी ओपन करते थे तो ऐसा कुछ नोटिस देता था। तो भाई इसमें बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार इन्होंने अपना प्राइवेट पॉलिसी चेंज कर दिया गया। तो भाई यह है बहुत ही बड़ा खुशखबर हम लोगों के लिए। तो भाई इस अपडेट से बहुत ज़्यादा चांसेस हट जाता है पबजी बैंड होने का। तो भाई आप जानते होंगे कि बहुत सारा ऐप्स बैंड कर दिया गया इंडिया में, और बहुत सारा ऐप्स को लिस्ट में लेकर आया था इंडियन गवर्नमेंट ने। क्या ये सारा ऐप्स डेटा शेयरिंग तो नहीं कर रहे? तो भाई हमारे इंडियन गवर्नमेंट जितना सारा रिक्वायरमेंट्स डाली थी, तो भाई हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो सब रिक्वायरमेंट्स डाली थी, आई थिंक पबजी से वो सब कुछ अपडेट कर दिया गया और सिक्योर कर दिया गया है इंडिया के लिए। तो भाई पबजी दोनों का परमिशन मांगता है, एक है स्टोरेज और एक है माइक्रोफोन। तो मैं बता दूँ, स्टोरेज आपका मोबाइल स्टोरेज लेता है, और माइक्रोफोन अब जो गेम में साउंड वगैरह आपको सुनाई देता है उसका परमिशन मांगता है पबजी। तो भाई आप जानते होंगे पबजी कितना बड़ा गेम है और इंडिया में कितना सारा यूजर्स है। अगर इंडिया में बैन हो जाएगा तो पबजी का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो इसी बात के लिए उन्होंने अपना प्राइवेट पॉलिसी अपडेट कर देगा, और उम्मीद करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से पबजी अपना प्राइवेट पॉलिसी अपडेट करते रहेगा। तो भाई इसी बात पर आप एक लाइक कर देना। तो भाई इसके बाद बताता हूँ जो 30% चांसेस है पबजी बैंड होने का वो क्या है। तो भाई शायद आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पबजी बैंड कर दिया था, क्योंकि उधर का जो बच्चा लोग है पबजी खेलता था, इसलिए पाकिस्तान में पबजी बैंड कर दिया था। लेकिन भाई कुछ दिन बाद पाकिस्तान में पबजी ऑन कर दिया था, लेकिन भाई इंडिया में बात कुछ और है। तो भाई जहाँ तक देखो, इंडिया का गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी पबजी बैंड कर सकते। इतना सारा ऐप्स को बैंड कर दिया, लेकिन पबजी क्या चीज़ है, पबजी को भी बैंड कर सकते। देखो भाई, पबजी अगर गलती से भी बैंड हो जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक देश का सवाल है। तो भाई देखो, पबजी बैंड हो जाएगा ना तो भाई थोड़ी से भी ये आंटी डाई होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम मधुमिता सेन गुप्ता है, मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। मायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? ये समस्या भी है, समाधान भी है। तो भाई ये वीडियो क्लिप 1 साल पुराना है। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और हाँ भाई, और एक बार नीचे जो लाल बटन बैठा है ना, उसका सिर्फ कलर चेंज कर दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद।